नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा T20 मैच खेला गया, जिसमें देखने को ये मिला कि आज टीम इंडिया ने जहां पहले बैटिंग की तो किस तरह से टीम इंडिया ने खेला और किस टीम की जीत हुई है और किस तरह से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन मारे, पूरा हाईलाइट आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। बस आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए ना, KL राहुल और रोहित शर्मा में से कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग की, क्योंकि आज KL राहुल को मौका नहीं मिला और KL राहुल की जगह ईशान किशन को खिलाया गया। तो जी हां, रोहित शर्मा और ईशान किशन आज ओपनिंग करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से उतरे थे और जहां आज रोहित शर्मा ने 31 ही गेंदों पर 56 रनों की बेहद ही तेज तरार तूफानी कप्तानी पारी खेली और अपनी पारी में इन्होंने 5 चौकों के साथ साथ 3 छक्के भी जड़े। तो वहीं ईशान किशन ने आज 21 ही गेंदों पर 29 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को बेहद ही शानदार शुरुआत दिलाई। ईशान किशन ने अपनी पारी में छक्का तो नहीं जड़ा लेकिन 6 चौके जरूर जड़े। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव आए थे। जी हाँ, टीम इंडिया का 69 पर ईशान किशन के रूप में पहला विकेट गिरा और फिर सूर्य कुमार यादव आज ज़्यादा कुछ खास कर ना सके, सूर्य कुमार यादव खाता भी ना खोल सके। इसके बाद फिर ऋषभ पंत आए थे और ऋषभ पंत भी आज ज़्यादा कुछ खास कर ना सके, सिर्फ 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर अंत में श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों पर एक छोटी सी 25 रनों की पारी खेली। तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंदों पर आज एक छोटी सी 20 रनों की पारी खेली। इसके बाद अक्षर पाटिल आए थे जिन्होंने 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाया। तो वहीं देखने को मिला कि आज अंत में हर्षल पाटिल और दीपक चहर ने एक शानदार पारी खेली, जहां हर्षल पाटिल ने 11 गेंदों पर ही 18 रन जड़ दिया। तो वहीं दीपक चहर ने महज 8 ही गेंदों पर 21 रन जड़ दिया और इसकी बदौलत टीम इंडिया आज 184 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट तक पहुंचा। अब न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतने के लिए कम से कम 185 रन बनाना ही था। और न्यूजीलैंड की तरफ से आज बात करें कि किस तरह की बैटिंग हुई है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय गेंदबाजों ने किस तरह से गेंदबाजी कराई आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने किस तरह की गेंदबाजी कराई। तो आज सेंटनर को 3 विकेट मिला, इसके अलावा बोल्ट, मिलने, लॉकी फर्गुसन और इस सोडी को 1-1 विकेट मिला। बात करते हैं कि आखिर किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया। मार्टिन गप्टिल और डैरिल मिचेल एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए आए थे ओपनिंग में, जहां मार्टिन गप्टिल ने आज बेहद ही शानदार पारी खेली और महज 36 गेंदों पर ही 51 रन जड़ दिया। तो वहीं डैरिल मिचेल ने 6 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बनाया। मार्क चैपमैन ने आज अपना खाता भी नहीं खोला और ये 0 पर ही आउट हो गए। तो ग्लेन फिलिप्स का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा और ये अक्षर पाटिल के द्वारा बोल्ड हो गए अपना खाता बिना खोले ही। तो वहीं टिम सेफर्ट ने आज 18 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अंत में इस तोड़ी ने 9 रनों की एक छोटी पारी खेली तो लॉकी फर्गुसन ने सिर्फ 14 रन बनाए। इस तरह से आज जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 73 रनों से भारत से हार गई और महज 17.2 ओवर में ही आज न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। बात करें अगर कि किस भारतीय गेंदबाज को बेहतरीन विकेट मिले हैं और किस भारतीय गेंदबाज ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कराई है, तो जी हां, आपको बता दें भुवनेश्वर कुमार आज 2 ओवर कराकर 12 रन देकर इनको कोई विकेट नहीं मिला है। तो वहीं दीपक चहर ने 1 विकेट लिया है। अक्षर पाटिल ने आज बेहद ही शानदार 3 विकेट निकाले हैं, जबकि युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला है, वेंकटेश अय्यर को भी 1 विकेट मिला और हर्षल पाटिल को 2 विकेट मिला। तो इस तरह से आज न्यूजीलैंड ने खेला और टीम इंडिया इस मैच में बेहद ही शानदार जीत हासिल कर चुकी है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।